ऐसी अनेक सेवाभावी संस्थाएं हैं जो अपने कार्य के लिए जानी जाती है। इन्हीं में नागपुर जिले के देवलापार में कार्यरत गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र का नाम भी अग्रणी माना जाता है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र पिछले 25 से 30 वर्षों से गौमाता के रक्षण और उनके संवर्धन का कार्य पूरी निष्ठा से कर रहा है। सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री पद्मेश गुप्ता की अध्यक्षता और अनुसंधान केंद्र के कार्याध्यक्ष डॉ. हेमंत जांभेकर और उपाध्यक्ष डॉक्टर संजय एकापुरे के कार्यकाल में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नई नई तकनीक से जोड़ना, उनको गाय के नस्लों के विषय में मार्गदर्शन करने के संबंध में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र और किसानों की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और इसी बात को जानने और इन दिनों एक विशेष कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इसे समझने के लिए VKB न्यूज की टीम भी पहुंची नागपुर से 70 किलोमीटर दूर देवलापार के गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र में। नमस्कार, स्वागत है आपका नागपुर जिले में। नागपुर शहर से अब हम आए हुए हैं देवलापार, जहां पर गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है जो पिछले 20 से 25 वर्षों से कार्यरत कर रहा है। इसकी जानकारी लेने के लिए और यहां पर एक खास जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है मनोज तत्वादी सर, जो यहाँ के CEO है और देखभाल कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। सर, सबसे पहले बताइए कि ये गो विज्ञान अनुसंधान जो केंद्र है देवलापार में, सबसे पहले क्या कार्य कर रहा है और किस दिशा की ओर जा रहा है? नमस्कार, आपका स्वागत। गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र एक रजिस्टर्ड NGO है, जो जैसा आपने बताया पिछले 25 से 30 वर्षों से गौ विज्ञान में अनुसंधान का कार्य कर रहा है। इसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि भारतीय नस्ल की गायों के ऊपर अनुसंधान, उनका रक्षण और उनका संवर्धन, जिसे हम कह सकते हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट, इस दृष्टि से काम हो रहा है। इस काम का उद्देश्य यह है कि भारत का आधार एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर का आधार गाय और नंदी है। उसे हम समझ के, उसे हम वैज्ञानिक तरीके से समझ कर उसका इस्तेमाल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीणों के समृद्धि के लिए कर सकें, इसलिए यह केंद्र कार्यरत है। बात करते हैं सर, एक बहुत विशेष कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, एक अनोखा कार्यक्रम जो लोगों की दृष्टि से या फिर आने वाले भविष्य की दृष्टि से काफ़ी अहम माना जा रहा है। 160 से 70 यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर है जो MPSC क्रैक करके यहाँ पे आए हुए हैं, उनके बारे में बताइए कि ये प्रोग्राम किस तरह से है और पिछले कितने दिनों से चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या इसके लाभ होंगे? जी, आपने सही कहा, ये एक अनूठा अनुभव हमारे लिए है, क्योंकि MPSC की परीक्षा पास होकर महाराष्ट्र शासन द्वारा वनामती के माध्यम से जो ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है, ये 170 अधिकारी अभी आए हुए हैं। उनके दो उद्देश्य बेसिक हैं, एक है विलेज अटैचमेंट और दूसरा है ट्राइबल अटैचमेंट। तो चूंकि देवलापार यह गांव तहसील रामटेक जिला नागपुर में है और इस केंद्र का जुड़ाव और संबंध आसपास के करीब 140 गांवों से है और यह अधिकतर गांव ग्रामीण तो ठीक है लेकिन साथ में यह जनजातियों का निवास स्थान है। इस कारण दोनों ही क्राइटेरिया यह केंद्र पूरे करता है। यहाँ करीब 100 एकड़ में फैला हुआ इसका परिसर निसर्ग रम्य है, ग्रामीण परिवेश में है, कार्यकर्ता भी ग्रामीण है यहाँ जो नियमित कार्य करते हैं। इस दृष्टि से वनामती ने हमें यह जवाबदारी सौंपी कि ये सभी अधिकारियों का पिछले साल यानी 1 दिसंबर से उनका यह ट्रेनिंग चालू हुआ और अभी दूसरी बैच आई है जो 1 जनवरी से चालू हुई है और इनका नियमित कार्यक्रम में रोज गट बनाकर अलग अलग गांवों में जाना और शासन की नीतियां कहां तक पहुंची, कैसे पहुंची, उसका कैसे उपयोग हो रहा है, कैसी जानकारी है, क्या उन्हें कुछ परेशानियां हो रही हैं, क्या उनके जिसको कहना चाहिए जमीन से आने वाले कुछ ऐसे सुझाव हैं जो शायद सरकार तक पहुंचते पहुंचते धूमिल हो जाते हैं, ये जानने की वो एक प्रामाणिक कोशिश कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि यही अधिकारी
जब इनका प्रशिक्षण पूर्ण होगा उन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विभागों में पोस्टिंग इन्हें मिलने वाली है। इनका यह अनुभव उनकी जिंदगी के लिए बेहद बड़ी पूंजी इसलिए है क्योंकि उन्होंने वास्तविकता जो गांव में रहती है, वास्तविकता जो शायद उनको जानना बहुत जरूरी है, उससे वे रूबरू होते हैं, उसे वे खुद देखते हैं, उनकी परेशानियां, उनकी अवस्था, उनके अपेक्षाएं और उनके सुझाव। तो इससे वह जब काम चालू करने वाले हैं उसके पहले उन्होंने यथार्थ के दर्शन कर लिए, वास्तव से वास्तविक उनका जुड़ाव हो चुका होगा। ये बहुत बड़ा एक कार्य है जिसकी योजना शासन ने ही की है। कितने वर्षों से ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह से चालू, एक तरह से प्रैक्टिकल मतलब गांव से जुड़ने का मौका उन विद्यार्थी उन ट्रेनिंग ऑफिसर को मिल रहा है जो जिनको शहरों की आदत होती है, तो अपने आप में एक बहुत करीबी रिश्ता हो जाता है इनका गाँव से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद। जी आपने बहुत सही कहा, क्योंकि अभी इन्हें कुछ भी पूर्वाग्रह है नहीं, गांव वालों का भी इनके बारे में कुछ पूर्वाग्रह है नहीं। जब ये जाते हैं, आस्था से जानकारी लेते हैं, तो एक सामान्य सर्वे और आस्था से जब कोई अधिकारी आता है, उनके बारे में जानना चाहता है, इतनी समझ गांव वालों को आराम से हो जाती है। उनसे जिस तरह से बातचीत होती है, इनका जिस तरीके से उनसे संबंध होता है, तो निश्चित रूप से शासन अपलादारी, ये जो हम एक संकल्पना कहते हैं, वो देखा जाए तो यह जो शासन में आने वाले लोग हैं, पहले वो उस जनता जनार्दन के दरबार पे जा रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा उपक्रम है जो महाराष्ट्र शासन का या इन्होंने शुरू किया था। वनामती एक कई वर्षों से इसे बहुत ही यशस्वी पद्धति से उसको कर रही है और हमें बहुत खुशी है कि गोविज्ञान संस्था को भी वनामती ने इस कड़ी में जोड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर सही मायने में बात की जाएगी तो इनका बेस तो आप मजबूत कर रहे हैं, देश का बेस तरक्की की ओर और गांव से जोड़ने की ओर। एक ऑफिसर को, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में कई बड़े अहदे पर जाएंगे, कई सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, गो विज्ञान के साथ जुड़कर आप कितना खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि देश के लिए एक नींव रखने का काम आप कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से बहुत सौभाग्य और साथ में दैनंदिन समाधान है इसमें, क्योंकि देखा जाए तो गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र एक एनजीओ है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। एनजीओ का मतलब ये है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट जहाँ जो चाहती है वहाँ उसकी मदद करना, या जहाँ वो चाह के नहीं पहुँच पा रही है उसके खुद का एक जो स्ट्रक्चर उसके कारण, तो वहाँ गवर्नमेंट ने ही एनजीओज की संरचना की है। तो उस बैठक में हम लोग फिट होते हैं, उसमें हमारा सहयोग होता है, ग्रामीणों का हम यह जो केंद्र है ये बहुत बड़ा आधार है, यहाँ चलने वाले निशुल्क गाय बैल वाटप हर महीने जो होता है उसका, यहाँ चलने वाली ट्रेनिंग्स का जो हम सालों साल से कर रहे हैं, भारत भर से लोग आते हैं, लाभान्वित होते हैं गौ आधारित कृषि के ऊपर, यहाँ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वो पहुँचा कर, हम निश्चित रूप से सरकार के सहयोगी ही हैं, ऐसा हम भी मानते हैं, और सरकार को भी इन जैसी संस्थाओं से निश्चित रूप से बल ही मिलता है, क्योंकि हम एक छोटी सी कड़ी है, प्रभावी कड़ी है, और हम उस कड़ी को और मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं। डिजिटल भारत की ओर एक और देश बढ़ रहा है, जहां पर गांव के गांव विकास हो रहे हैं, लेकिन आप इन लोगों को उन ग्रामीण क्षेत्रों से रूबरू करा रहे हैं, क्या फर्क आएगा आने वाले दिनों में इन सारी चीज़ों की ओर, क्योंकि किसानों की माली हालत भी हमको सुधरानी, क्योंकि किसान आत्महत्या की जब भी बात आती है, उनकी क्रॉपिंग की बात आती है, फसल की बात आती, कई सारी अड़चनें हैं, तो ऐसे में किसानों को कितना लाभदायक होगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद में हम ट्रेनिंग ऑफिसर से बात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये जो अपेक्षा है कि सरकार की अपेक्षा है कि लोगों ने उनको समझना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए, लोगों की अपेक्षा है कि सरकार ने उनको समझना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए। अब सरकार कोई व्यक्ति एक तो है नहीं, तो अधिकारी जो हैं यही सरकार रूप हैं, और जनता के बीच में जब वो जाते हैं, इनमें से हर एक अधिकारी करीब करीब अलग अलग विभागों में काम अपना सेवा देने वाला है, हर एक व्यक्ति यहाँ से जो समझ के जाता है, अनुभव लेके जाता है, वह इस जनता की, ग्रामीण जनता को समझते हुए
अपने अपने विभाग के माध्यम से उनको सेवा देने की कोशिश करेगा, ये अपेक्षा है इस ट्रेनिंग की। और चूंकि वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ग्रामीणों को समझे और ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार अधिकारी उन्हें समझे, तो ये रिश्ता जो है ये निश्चित रूप से हेतु का काम कर रहा है। इससे हेतु भी पूरा होगा क्योंकि सेतु बन रहा है। देवलापार में करीब 100 एकड़ में फैले इस गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र में इन दिनों महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC पास हुए अधिकारी गण प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार और वनामती के सौजन्य से ये जिम्मा देवलापार के गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र को दिया गया, जिसमें अनुसंधान केंद्र 170 प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को विलेज अटैचमेंट और ट्राइबल अटैचमेंट से जोड़ रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या और सरकारी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र में अभाव और उसके कारण को जानने ये प्रशिक्षणार्थियों की प्राथमिकता होगी, जिसमें सेतु का कार्य देवलापार का गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र कर रहा है और इस विशेष कार्य के गवाह ये प्रशिक्षणार्थी हैं। जब हमने उनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने खुलकर अपने विचार साझा किए। नमस्कार, मी पूजा सांगळे, मी सहायक निबंधक सहकारी संस्था या पदावर माझी निवड झालेली आहे आणि आमचं इथे आदिवासी संलग्नता तसेच गाव संलग्नतासाठी आम्ही इथे गोविंदान अनुसंधान केंद्रामध्ये गेले 4-5 दिवसापासून आलेलो आहेत। सर, आता ही आमची आदिवासी संलग्नता होती आणि गाव संलग्नता, आदिवासी संलग्नता आमची उद्या पूर्ण होईल। तर मी मुळात ग्रामीण भागातली आहे, खेडेगावातील आहे, आमच्या घरी पण गाई वगैरे आहेत, तर त्या अनुषंगाने आमचं इथे काही लेक्चर्स झाले आणि आम्ही आदिवासी गावाला तर भेट दिली, त्यामुळे असं ग्राउंड लेवलला जाऊन त्यांच्या समस्या आम्हाला जाणून घेता आल्या आणि त्याच्यामुळे प्रशासनात काम करताना आम्हाला याचा निश्चितच फायदा होईल की आपण एक समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत कसं पोहोचलं पाहिजे, त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्याच्यावर कसं काम करता येईल। म्हणजे असं आपण म्हणतो की आपण एखाद्या ठिकाणी भेट दिली आणि तिथून एकाच व्यक्तीकडून आपण त्यांची माहिती घेतो, पण त्यापेक्षा आपण स्वतः प्रत्येक ठिकाणी पोहोचून तिथून माहिती घेऊन जर आपण आपल्या कामाची पद्धत बदलवली तर त्याचा आम्हाला निश्चितच फायदा होईल। सध्या आमची 5 दिवसांची आदिवासी संलग्नता चालू आहे आणि त्यासाठी आम्ही इथे राहत आहोत सध्या। तर आमचा जो एक्सपिरियन्स आहे खूप छान राहिला। आम्ही ग्रामीण भागामध्ये खूप दिवसांनंतर अशा प्रकारचं वास्तव्य करण्यासाठी आलेलो आहोत आणि इथली जी काही प्रकृती आहे किंवा इथली जी व्यवस्था आहे ती खूप सुंदर आहे, एकदम निसर्गाशी जास्त अटॅचमेंट आमची या काळामध्ये झालेली आहे। सर, हा ट्रेनिंग प्रोग्राम राबवण्यामागचा जो उद्देश आहे तो मला असं वाटतं की म्हणजे ज्यांनी प्रामाणिकपणे हे ट्रेनिंग केलं त्यांच्या दृष्टीने तर सफल झाल्यासारखंच आहे, कारण की आम्ही पण ग्रामीण भागातून आलेलो आहे, पण मग मला असं वाटतं पश्चिम महाराष्ट्रातला ग्रामीण भाग आणि विदर्भातला ग्रामीण भाग याच्यामध्ये बऱ्यापैकी खूप मूलभूत अंतर आहे। आमच्याकडं ज्या समस्या आहेत त्या लिटरली म्हणजे पूर्ण डिफरंट इकडे आहेत। म्हणजे आमच्याकडं पाण्याची समस्या नाही आहे, तर इथं काही भाग, आता आम्ही ट्रायबल अटॅचमेंटला काल गेलो होतो अकोला हिवरा बाजारला, तर तिथं लिटरली त्यांना म्हणजे पाण्यावाचून म्हणजे सिंचनाची सोय नसल्यामुळे त्यांना पिकं घेता येत नाही आहे तिथं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं पहले गांव साइड नहीं रही थी तो बहुत ऑब्सेशन था उसका, और यहाँ की खेती और ये सब जो चीज़ें हैं बहुत पसंद है। हमारी व्यवस्था भी बहुत अच्छी करवाई गई है, यहाँ का स्पेशली खाना भी बहुत अच्छा है जो कि विलेज छोड़ के उधर नहीं मिलता है, मतलब अर्बन एरियाज़ में, तो वो बहुत अच्छा था। और इन लोगों ने बहुत क्या बोलते हैं कि जो पेटेंट लिया है तो इनकी रिसर्च वगैरह इनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, और हम विलेज में भी गए थे तो उधर का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारे लिए। पिछले वर्ष वनामती के सौजन्य से दिसंबर के महीने में विश्व हिंदू परिषद के गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र को जो जिम्मेदारी दी गई उसे अनुसंधान केंद्र ने पूरा किया। ग्रामीण क्षेत्रों से सैकड़ों अधिकारियों को जोड़ना जो आने वाले दिनों में समूचे महाराष्ट्र के हिस्सों में सरकार के विविध विभागों में अपनी सेवाएं देंगे और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को अमल में भी लाएंगे। गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र का ये प्रशिक्षण जिसके कारण सैकड़ों अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं समझ सके और उन्हें हकीकत में उन बातों को जानने का अनुभव मिला जो अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को दिया गया। देश में ऐसी अनेक सेवा भावी संस्थाएं हैं जो अपने कार्य के लिए जानी जाती है। इन्हीं में नागपुर जिले के देवलापार में कार्यरत गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र का नाम भी अग्रणी माना जाता है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र पिछले 25 से 30 वर्षों से गौमाता के रक्षण और उनके संवर्धन का कार्य पूरी निष्ठा से कर रहा है। सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री पद्मेश गुप्ता की अध्यक्षता और अनुसंधान